IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम कथा सम्राट प्रेमचंद। प्रेमचंद हिंदुस्तान से परे विश्व भाषाओं में हैं। प्रसिद्ध कथाकार राजेंद्र यादव ने कहा था, प्रेमचंद हमारे समाज की यात्रा, संघर्ष और स्वप्न को चित्रित करने वाले सबसे बड़े कथाकार हैं। उन्होंने आनंद, मोक्ष, सत्यम शिवम सुंदरम के लिए कहानी लिखने की परंपरा को तोड़ा और उन्हें सामाजिक समस्याओं से जोड़ा। आने वाला जमाना किसानों और मजदूरों का है, दुनिया की रफ्तार इसका साफ सबूत दे रही है। हिंदुस्तान इस हवा से भी असर नहीं रह सकता। प्रेमचंद ने 1910 में सवा शेर गेहूं लिखी थी, जो एक बंधुआ मजदूर की कहानी है। गोदान के नायक होरी के मरने के बाद उसकी पत्नी धनिया होरी की हथेली पर 20 आने रखकर गोदान कराती है। ये है उस समय के किसान का बेइंतहा दर्द। मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूँ। ऐसा मत कहो। गाय की लालसा मन में ही रह गई, अब तो ये रुपए क्रियाकर्म में ही जाएंगे। ऐसा मत कहो। धनिया रो मत, अब कब तक जिलाएगी, सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। गोदान करा दे धनिया, गोदान करा दे, गोदान करा दे। महाराज, घर में न गाय है, न बच्चिया, न पैसा, यही 20 आने पैसे इनका गोदान है। प्रेमचंद ने अपनी कृतियों में अन्याय का विरोध किया है। समाज के यथार्थ वर्णन के जादूगर थे प्रेमचंद। जी हाँ, ये बहुत साधारण निराठेठ देहाती आदमी कथा सम्राट प्रेमचंद है। कथा सम्राट प्रेमचंद की कृतियों का विश्व साहित्य में विशेष स्थान है। विश्व की अनेक भाषाओं में उनकी कृतियों को अनुदित किया गया है। प्रेमचंद से पहले हिंदी उर्दू में उपन्यास लिखना प्रारंभ हो चुका था। इस युग में उपन्यास लेखन की दो धाराएं थीं, तिलिस्मी जासूसी और सामाजिक। प्रेमचंद ने सामाजिक धारा को अपनाया। ये इस समय नवाब राय के नाम से उर्दू में साहित्य रच रहे थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उन दिनों देश में स्वाधीनता के लिए संघर्ष छिड़ा था। प्रेमचंद ने अपने लेखन से योगदान देना चाहा। उन्होंने देश प्रेम की कहानियां लिखी। ये कहानियां सोजे वतन पुस्तक में नवाब राय के नाम से छपी। किताब को छपे 6 महीने हो चुके थे। उन दिनों प्रेमचंद हमीरपुर जिले के स्कूल में सब डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में तैनात थे। एक दिन रात में इन्हें वहां के अंग्रेज कलेक्टर ने बुलवाया। नवाब राय तुम्हारा नाम है? जी हाँ। यह किताब तुमने लिखी है? जी हाँ। इस तरह की और भी कोई किताब छपवाने वाले हो? जी नहीं हुजूर। झूठ बोलते हो। खैर मनाओ कि अंग्रेजों की अमलदारी है, वरना आज तुम्हारे हाथ कटवा दिए जाते। लेकिन जानते हो बगावत फैलाने वालों को क्या सजा मिलती है? गोली से उड़ा देते हैं।
इन किताबों में आग लगा दो, यो छुटकारा नहीं मिलेगा। बेशक उस समय सोजे वतन पुस्तक की 600 प्रतियों का ढेर जला दिया गया। प्रेमचंद ने लेखन का रास्ता चुना था और वो इसी रास्ते पर चलने पर आमादा थे। अब नवाब राय ने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रख लिया और लिखना बदस्तूर जारी रखा। इस समय प्रेमचंद ने हिंदी में लिखना शुरू किया। सरस्वती के संपादक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास एक कहानी पंचों में ईश्वर भेजी, जिसे जून 1916 में पंच परमेश्वर नाम से प्रकाशित किया। गांव के जीवन में सरपंच की क्या अहमियत है, प्रेमचंद ने इसे बहुत मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। सच्चाई से चौ भर भी टलना ठीक नहीं होगा। अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह सोचा है। ये ठीक जान पड़ता है कि साहू बैल का पूरा दाम दे। क्या बात कर रहे हैं, जुम्मन को पूरा दाम देने की बात कर रहे हैं। जिस वक्त साहू ने बैल लिया उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी वक्त साहू अलगू चौधरी को दाम दे देते तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। बैल की मौत फकत इस वजह से हुई कि उससे ज्यादा काम लिया गया और उसके दाने चारे का अच्छा इंतजाम नहीं किया गया। साहू ने बैल को जानबूझकर मारा है, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। पंचो, मेरे साथ कुछ रियायत होनी चाहिए ना भाई। ये तो अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है। वो रियायत करें तो उनकी भलमनसी। इसे कहते हैं न्याय। हाँ भैया, पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। मेरे दोस्त चुम्बन, भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की थी ना, मैं तुम्हारा जानी दुश्मन बन गया था। आज मुझे एहसास हुआ कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना दुश्मन। आज मुझे यकीन हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। चुम्बन, मेरे भाई तुम ठीक कहते हो, आज हमारी दोस्ती की बेल फिर हरी हो गई। आपको चुम्बन दोस्त। सन 1918 में उनका हिंदी में पहला उपन्यास छपा, सेवा सदन। छात्रों के साथ वो सहज और आत्मीय रहते मगर सरकारी अफसरों का विरोध करते। एक बार इनके स्कूल की जांच करने के लिए एक अंग्रेज इंस्पेक्टर आया। जांच के दूसरे दिन प्रेमचंद अपने घर के सामने कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। इंस्पेक्टर को उठकर सलाम करने की जरूरत उन्होंने नहीं समझी और ये बात इंस्पेक्टर को बहुत नागवार गुजरी। Hey you, hey Tom, मैं Tom से कह रहा हूँ। Tom जो कुर्सी पर बैठा है। हाँ हाँ, कहिए क्या बात है। Tom पर एक घमंडी हो, तुम्हारा अफसर तुम्हारे दरवाजे के सामने से निकल जाता है और तुम उठकर सलाम भी नहीं करता। ये जरूरी नहीं है जनाब, मैं जब स्कूल में रहता हूँ तब नौकर हूँ, स्कूल से बाहर मैं भी अपने घर का बादशाह हूँ। आपने जो कहा ये कहकर अच्छा नहीं किया, इस पर मुझे अधिकार है कि मैं आप पर केस चलाऊं। ये सुनकर इंस्पेक्टर चुपचाप चला गया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी को तिलांजलि दी और स्वतंत्र लेखन कार्य शुरू किया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में समाज के वर्गों ने क्या भूमिका निभाई, इसका अंकन रंगभूमि में हुआ है। सूरदास इस उपन्यास का वो चरित्र है जो अकेला है, दृश्य शक्ति से अक्षम है, लेकिन हिम्मत वाला है, सत्य के पक्ष में अकेला खड़ा हो सकता है, अन्याय का विरोध करता है। बस्ती के कुछ लोग
उसका झोपड़ा जला देते हैं। सूरदास और मिठुआ जले हुए झोपड़े के पास बैठे हैं। उनकी बातचीत का अंश सुनिए। दादा, अब हम रहेंगे कहाँ? मिठुआ, दूसरा घर बनाएंगे। और जो कोई फिर आग लगा दे? तो हम फिर बनाएंगे। और फिर आग लगा दे? तो हम फिर बनाएंगे। और जो कोई हजार बार आग लगा दे? तो हम हजार बार, 100,00,000 बार घर बनाएंगे। हम हारे तो क्या, मैदान से भागे तो नहीं, रोए तो नहीं, धांधली तो नहीं की? जरा दम ले लेने दो, हार हार कर तुम्हीं से खेलना सीखेंगे और एक ना एक दिन हमारी जीत जरूर होगी, जरूर होगी। प्रेमचंद अब अपनी प्रेस की स्थापना करना चाहते थे। 1923 में सरस्वती प्रेस की स्थापना की। 1927 में हिंदी और उर्दू साहित्य के विकास के लिए हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की। तब तक प्रेमचंद साहित्य सम्राट बन गए थे। प्रेमचंद स्वयं राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ना चाहते थे। पत्नी शिवरानी इनके स्वास्थ्य को देखकर चिंतित रहती थी। ये जेल जाएंगे तो घर कौन चलाएगा? लेकिन प्रेमचंद की इसमें नहीं चली, दोनों में नोक झोंक चली। जेल जाएंगे? अपनी शक्ल तो देखिए शीशे में हजरत, रात दिन पेट थामे रहते हैं अपना। अब की बार देखना कैसे ठाट से जेल जाता हूँ और कैसी शान से बाहर निकल आता हूँ। आपका नाम तो कलम के जरिए फैल ही रहा है, अब क्या सारी शोहरत आप ही लूट लेंगे? मैं नहीं जाने दूंगी, कहे देती हूँ। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जेल न जाने दोगी, जेल की कहानी तो नहीं रोक पाओगी। जेल कहानी में रोज जुलूस निकलता है, गोली चार्ज होता है, लोग मारे जाते हैं। अगले दिन फिर जुलूस निकलता है। लोग कहते हैं जुलूस निकालने से क्या होता है? इससे ये प्रमाणित होता है कि लोग जिंदा हैं, अटल अडिग हैं और मैदान में डटे हैं। जुलूस कहानी का पात्र बीरबल, जो अंग्रेजों की फौज में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जुलूस में भाग लेने वालों पर डंडे बरसाता है। उसकी अपनी पत्नी मिठन बाई इसके खिलाफ थी। उसी दिन एक सिपाही ने आकर कहा, हुजूर ये लिफाफा लाया हूँ। अच्छा, क्या तरक्की का परवाना आ गया? देखता हूँ। अरे तुम तो बनाती हो, आज फिर कोई जुलूस निकलने वाला है, मुझे उसके साथ रहने का हुक्म हुआ है। हाँ, फिर तो तुम्हारी चांदी है, तैयार हो जाओ, आज फिर वैसे ही शिकार मिलेंगे। खूब बढ़ चढ़कर हाथ दिखलाना, डीएसपी जरूर आएंगे। सच? अरे कभी कभी तुम बेसिर पैर की बातें करने लगती हो। मान लो मैं जाकर चुपचाप खड़ा रहूं तो क्या नतीजा होगा है? कहीं शुभा हो गया कि मुझे स्वराज्यवादियों से सहानुभूति है तो कहीं का नहीं रहूंगा। पर अब जुलूस उस व्यक्ति इब्राहिम अली को कंधे पर उठाए जा रहा था जिसने जुलूस में बीरबल की लाठी खाई थी और जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। पत्नी के जगाने पर बीरबल शर्मसार हुआ और उसकी विधवा को सांत्वना देने पहुंचा। ये उस दौर की बात है
जब ब्रिटिश फौज के भारतीय अपने ही देशवासियों को, अपने ही भाइयों को लाठियों और गोलियों से भून रहे थे। इन्हीं दिनों ब्रिटिश सरकार ने प्रेमचंद को राय साहब की उपाधि देने का प्रस्ताव रखा। प्रेमचंद ने इसे ठुकरा दिया। वो साहित्य लेखन में किसी तरह का दबाव या पाबंदी नहीं चाहते थे और सृजन की जिम्मेदारियों को बखूबी समझते थे। उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखा है, वे 4:30 बजे ही उठ जाते थे और लिखने पढ़ने लग जाते थे। बेटे धन्नू को पढ़ाते थे, लिखते भी जाते थे। उसके बाद फिर नहा धोकर स्कूल जाते। स्कूल से लौटते हुए तरकारी वगैरह अपने साथ लेते आते थे। बच्चों के साथ खेलते। कांग्रेस की मीटिंग अक्सर चलती रहती, उसमें रोजाना शरीक होते। जिस दिन 10 बजे लौटते, रात को काम ना कर पाते। उस दिन 3 बजे रात को ही जमकर काम में लग जाते। मैं हमेशा आराम के लिए झगड़ती, पर वो कब मानने वाले थे। लखनऊ में प्रेमचंद का प्रेस और उनका प्रकाशन धन के अभाव में चल नहीं पा रहा था। उन्होंने बनारस से हंस नामक पत्र निकालना शुरू किया। वो जागरण नाम से एक नया साप्ताहिक निकालना चाहते थे, पर कहीं कुछ चल नहीं पा रहा था। कभी मजदूरों के लिए पैसा नहीं, कभी कागज वाले को देने के लिए पैसे नहीं। प्रेमचंद ने जीवन के अनुभवों के आधार पर हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखा था, मुझको ऐसा लगने लगता है कि इस आदमी ने वर्तमान समाज व्यवस्था को, जो अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण पर आधारित है, स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार कोई भी बड़ा नाम जो लक्ष्मी से संपृक्त है, मुझे आकर्षित नहीं करता। हो सकता है कि बैंक में अच्छी रकम रखकर मैं भी औरों जैसा ही हो जाता, उस लोभ का संवरण नहीं कर पाता। लेकिन मैं खुश हूं कि प्रकृति और भाग्य ने मेरी मदद की है, मुझे गरीबों के साथ डाल दिया है। इससे मुझे मानसिक शांति मिलती है। इन्हीं दिनों अजंता सिनेटोन बंबई के मोहन भवनानी ने उनको अपनी फिल्म कंपनी में आने का निमंत्रण दिया। इस दुनिया से अजनबी होते हुए भी प्रेमचंद ने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मंजूर किया, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे। पर कुछ ही दिनों में उन्हें पता चल गया कि ये जगह उनके लिए नहीं है। उन्होंने अपने मित्र जैनेन्द्र कुमार को लिखा, ये प्रोड्यूसर जिस ढंग की कहानियां बनाते आए हैं, उसकी लीक से जौ भर भी नहीं हट सकते। राजा रानी, उनके मंत्रियों के षड्यंत्र, नकली लड़ाई, यही इनके मुख्य साधन हैं। मैंने सामाजिक कहानियां लिखी हैं जिन्हें शिक्षित समाज भी देखना चाहता है, लेकिन इन लोगों को संदेह होता है कि फिल्म चले या ना चले। मन चाहता है यहां से छुट्टी पाकर अपने पुराने अड्डे पर जा बैठूं। वहां धन नहीं है, पर संतोष जरूर है। प्रेमचंद की पहचान है उनकी सादगी और शायराना अंदाज। प्रेमचंद और समकालीन कवि जयशंकर प्रसाद एक दूसरे को जानते तो थे, पर औपचारिक मुलाकात नहीं हुई थी। एक बार वो दोनों एक डॉक्टर की दुकान पर बैठे थे। थोड़ा जीभ दिखाइए। डॉक्टर साहब ने प्रेमचंद से पूछा, क्या आप इन महाशयों को जानते हैं? काबा में, कलीसा में, बुतखाने में या दिल में, है होश मुझे इतना, तुझको कहीं देखा है। इस कक्ष में प्रवेश करने के साथ ही परिचित से जाने कब के
तुम लगे उसी क्षण हमको। वाह 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 वा। आइए आइए इनसे मिलिए। ये हैं कथाकार प्रेमचंद जी। नमस्ते। और आप हैं कवि जयशंकर प्रसाद। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो आपसे मिलना हुआ। अहो भाग्य मेरा जो आप जैसे कलम के जादूगर से मेरा परिचय हुआ। नमस्कार। नमस्कार। प्रेमचंद का आखिरी उपन्यास था मंगल सूत्र, जो अधूरा ही रह गया। उन्होंने स्वयं को समाज के सामने मजदूर के रूप में पेश किया। मैं मजदूर हूं, जिस दिन न लिखूं उस दिन मुझे रोटी खाने का अधिकार नहीं है। एक बार प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी ने उनसे पूछा, हाँ पर स्वराज हो जाए तो आप किसका साथ देंगे? मजदूरों और काश्तकारों का। मैं पहले ही सबसे कह दूंगा कि मैं तो मजदूर हूं। तुम फावड़ा चलाते हो, मैं कलम चलाता हूं, हम दोनों बराबर हैं। उनका किसान वो है जिसके पास 5 या 6 बीघा जमीन है, कभी न चुकने वाला ऋण है और जीवन भर साथ चलने वाला लगान है। एक और पूस की रात में जब रजाई और अलाव ठंड का सामना नहीं कर पाते, ऐसे में गांव का किसान हल्कू एक कंबल की चाह पूरी नहीं कर पाता और पत्नी मुन्नी सिसक कर रह जाती है, क्योंकि उसकी नियति में महाजन द्वारा सूद के रूप में हर पल कुछ ना कुछ ऐंठते रहना लिखा है। मुन्नी सेना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो। पूस की रात कैसे कटेगी? अरे अरे ला दे दे, पला छूटे। कंबल के लिए दूसरा उपाय सोचूंगा कुछ। कर चुके दूसरा उपाय, क्या कोई खैरात में दे देगा कंबल? जाने कितना बाकी है जो चुकने में ही नहीं आता। मैं कहती हूं तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। बाकी चुकाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। तो क्या गाली खाऊं? ये लो रुपए, तुम छोड़ दो खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी। मुन्नी किसी की धौंस तो न रहेगी। अरे चुप हो जा मुन्नी, चुप हो जा। एक ही अकेला था, शोषित का, पीड़ित का, सच्चा हमदर्द बन लिख लिख कथाएं दर्द बयां करता था। घोषित कर खुद को मजदूर, कागज पर कलम वो चलाता था, जन जन को सजग किया करता था। एक अदद आदमी था वो। मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है, जिसमें कहीं कहीं गड्ढे हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडहरों का स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं, उन्हें तो यहां निराशा ही होगी। कथा सम्राट प्रेमचंद। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। शोध आलेख डॉक्टर कामिनी भटनागर, कलाकार अश्वनी वालिया, रजत सेन गुप्ता, मंजू मैनी, प्रवीण शर्मा, सादिया रहमान, सुनील लोहिया, मुइनुल हसन और अशोक मलकानी, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो, निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल, ध्वनि संपादन, निर्देशन एवं निर्माण
वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT